है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और मंथली पॉलिसी रिव्यू मई पार्ट टू हम ला चुके हैं। इससे पहले हम मई पार्ट वन रिलीज कर चुके हैं और दिसंबर तक आप देख चुके होंगे जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। देखिए, मंथली पॉलिसी रिव्यू पीआरएस इंडिया जो आपको पार्लियामेंट संसद की डेली फंक्शनिंग क्या होता है, कैसे बिल पास होता है, ये सब आपको बताते हैं। करंट अफेयर सब कवर होते हैं डायरेक्टली, जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पेड ग्रुप के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में एक मैसेज करना है 7838692618 नंबर पर और आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न जो सिलेबस वाइज बनाया गया है, टेस्ट सीरीज दी जाएंगी आपको मेंस के बेसिस पे और बहुत सारे ऑप्शनल ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। फ्री स्टडी मटेरियल और जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं उसके लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इसे हमारे सर्च बार में भी सुन सकते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट न्यूज़ आ रही है। इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये, इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पिछले, अगर मैं बात करूँ 2016 की, 2017 2018 में जितने डायरेक्ट, अगर 2017 के मेंस की मैं बात करता हूँ तो उसमें भी बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे और 2016 में इससे डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अभी करंट में सबसे पहले हम सेम आर्टिकल के बेसिस पर जाएंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्यों ये न्यूज़ है करंट में। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP रिलीज किया भारत में। अब NCAP क्या करेगा, इसका एम यही है कि जो एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं पूरी कंट्री में, उसको लोकेट कीजिए कहाँ पर कैसे है, पब्लिक को अवेयर कीजिए, जो बच्चे स्कूल टाइम पे जाते हैं क्या उनको जाना चाहिए, उसके बेसिस पे उनका स्कूल कब बंद करवाना चाहिए, उसके बेसिस पे NCAP क्या करती है, प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस निकालती हैं। अब इसको पूरा हॉलिस्टिक हम कवर करने वाले हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। कभी भी ये टॉपिक दिखे तो देखिए, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि कहाँ पर हम ये मेंस का जो टॉपिक है वो फिक्स किया जाए। देखिए, NCAP कहाँ भी इन्वायरमेंट का जो भी टॉपिक होगा, हर कोई इन्वायरमेंट के टॉपिक में आप इसको फिक्स कर सकते हैं। आप इसको GS1 में अगर गवर्नमेंट है, GS2 में जो गवर्नेंस का टॉपिक है उसमें आप फिक्स कर सकते हैं। तो हर चीज़ में GS1 से लेके GS4 में कहीं भी पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, GS3 में कोई इन्वायरमेंट टॉपिक आता है तो वो डायरेक्ट आप फीड कर सकते हैं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला AQI लेवल क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो एयर क्वालिटी है उसमें तीन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, पहला ये देखिए, न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि पर्टिकुलर अगर ये कंटेंट आपको एयर में दिख जाए तो आप किस बेसिस पर हम इसको गुड लेवल, सेटिस्फैक्ट्री लेवल दिखाते हैं। ठीक है, न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओके, PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10 पर्टिकुलेट मैटर 2.5, अभी हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ये क्या है ताकि आप इनके बारे में भी अच्छे से, NO2 है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 और PB लेड, जैसे अब बहुत ज़्यादा अगर मैगी की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा लेड पाया जा रहा है तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए आपके पास सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले अगर 0 से 50 लेवल तक ये देखने को मिलता है इंडेक्स में तो गुड होगा, सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100, मॉडरेट पॉल्यूटेड 101 से 200 तक, पुअर हो गया 201 से 300 तक, वेरी पुअर हो गया 301 से 400 तक और सीवियर हो गया 401 से 500 तक। अब हम इन पर्टिकुलर 1, 2, 3, 4, 8 पूरे फीचर्स पर बात करने वाले हैं डिटेल में। उससे पहले जो क्वेश्चन आया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको देखने को बहुत सिंपल मिल रहा है, आप डायरेक्ट इससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, 8 चीज़ें दिख रही हैं,
PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और PB. इन आठ बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने भारत देश की, प्यारे भारत देश की एयर क्वालिटी जो कि इतनी वर्स्ट हो चुकी है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा किसी बेसिस पे. तो कौन सी कैलकुलेट नहीं होती, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी हमें तो CO2 तो कहीं दिखाई नहीं ना, तो CO2 के बेसिस पर नहीं, तो जहाँ पर भी वन होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे. बहुत सिंपल, UPSC में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस हमें एलिमिनेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी. वन खत्म, सी और डी खत्म, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी. देखिए सीओ, NO2, SO2 और मीथेन CH4 देखने को मिलता है. ओके, CO2 को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं. ओके, अब सॉरी मीथेन कह रहा हूँ, CH4 नहीं होगा, ये सिर्फ 4 तक. ओके, अभी 8 तो हमने दिखाए, इसमें मीथेन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है. ओके, तो CH4 हमें देखने को मिलेगा. अब AQI लेवल के कुछ हमें आपको पिक्टोरियल इमेज भी आपके माइंड में डाल दें, ताकि और ज़्यादा आपको इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है और ज़्यादा समझ आपको आ पाए. द डे आफ्टर दिवाली देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 यहाँ पर देखने को मिलती है, और 999 अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉडरेटली पॉल्यूटेड, और उसके बाद सीवियर पॉल्यूटेड में भी बहुत सारी ऐसी जो सिटीज़ हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. एयर वी ब्रीथ इन इज थिक विद मिजरी एंड पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा भरी हुई है. ओके, आपने हमने ये समझ लिया UPSC प्रीलिम्स में कौन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन उसमें इंक्लूड नहीं होगा. ओके, अब हम जो आठ फीचर हैं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि इन आठ फीचर में से पर्टिकुलर भी फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन. PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10 कहते हैं. देखिए किसी एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो उसमें पूरा यहां से यहां तक एरिया कितना होता है, डायमीटर बोला जाता है, ठीक है. हाफ को बोला जाएगा रेडियस, पूरा बोला जाएगा डायमीटर. अब PM10 में क्या बोला जा रहा है, देखिए पॉल्यूटेंट विथ डायमीटर 10 माइक्रोन और लेस. एक ऐसा पॉल्यूटेंट जैसे एयर में बहुत सारी हवा होगी, वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, हर एक पार्टिकल का डायमीटर कंसिडर करते हैं, जैसे पूरा अर्थ का करते हैं, सन का करते हैं. तो क्या है कि जिस भी पॉल्यूटेंट का जो कि पॉल्यूट कर रहा है हमारी हवा को, उसका जो डायमीटर 10 माइक्रोन या उससे कम होगा तो उसे PM10 पॉल्यूटेंट कहेंगे. वो कुछ भी हो सकता है, मोस्टली ये जनरली डस्ट होता है, स्मोक होता है, क्रिएट ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्रिएट करता है, जैसे अस्थमा पेशेंट और एल्डरली में. आपको समझ में आया होगा, इसमें सिर्फ यही पता करना है कि जिसका डायमीटर 10 माइक्रोन और उससे कम होगा. आगे हम देखते हैं, देखिए इसको इतने डिटेल से क्यों पढ़ लें, क्योंकि पर्टिकुलर आपको ये लिखना पड़ेगा और पर्टिकुलर प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. इसमें PM2.5 रेस्पिरेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन और उससे कम होता है. जनरली ये ऐसे PM2.5 और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये बहुत हफ्तों हफ्तों तक हमारे हवा में जो है फ्लोट करते रहते हैं. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हवा में इतना जा रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत कम छोटा साइज होता है. स्मोक और हेज फ्रॉमलम ये भी क्रिएट करता है. अब ये क्या करता है, ये लंग्स में जाता है, इवन हमारी ब्लड तक भी पास होता है. रिजल्ट क्या होता है, इसके कारण क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लॉन्ग कैंसर, हार्ट डिजीजेस. इंडेक्स के बेसिस पर अगर देखूं PM2.5 दिल्ली में ये है 153 और वही लंदन में देखूं 16. जितना कम होगा उतनी स्वच्छ हवा होगी. अब आप लगा सकते हैं 153 है दिल्ली में, तो कितनी ज़्यादा PM2.5 लेवल पाई जाती है और इतना ज़्यादा लंग कैंसर होता है. तो दिल्ली में जो रह रहे हैं, जो व्यूवर्स दिल्ली से देख रहे हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं. आगे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लंग इरिटेंट होता है, ये भी हार्मफुल रहता है टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स के लिए. रेड हेज इन ट्रैफिक क्रिएट कर देता है, डैमेज करता है प्लांट के लीव्स को. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. NO2 अगर पॉल्यूशन में आएगा, पॉल्यूटेंट आएगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्लो कर देगा. अब डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा PM10 PM. अब देखिए आपको ये पर्टिकुलर आपको ही समझना पड़ेगा, ये आपकी समझ है कि आपको किस जो टॉपिक में क्या क्या आपको लेना है. देखिए अभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जा सकता है कि इन एयर क्वालिटी इंडेक्स में से कौन सा ऐसा जो मैटर है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्लो करता है. अब हम डायरेक्ट नाइट्रोजन के बेसिस पे स्लो करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये चीज़ें. रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करता है, इरिटेशन है टीयर्स में, आंसू, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर्स दे फॉल फ्रॉम प्लांट देखने को मिलता है, प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है हीमोग्लोबिन के साथ हमारा बाइंड हो जाता है,
10 ब्लड कैरीज लेस ऑक्सीजन। अब हमें पता है पूरी ऑक्सीजन, पूरी हमारी जो बॉडी में ब्लड कौन कैरी करता है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, बट अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करने देता है। इससे हमारा कभी कभी हेड एक आ जाता है, कभी होता है ना किसी का सर दर्द हो रहा है, नोजिया, आई साइट कमज़ोर हो जा रही है, तो हम कहते हैं कि आपकी जो है ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा है अच्छे से। तो इसका मतलब यही है कि पॉल्यूशन हमारी हवा में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे ओजोन की मैं बात करूं, ये एक टॉक्सिक गैस है, आई में ड्राइनेस क्रिएट करती है, चेस्ट पेन कर सकती है, कफ कर सकती है। कलेक्टिवली ओजोन पैन नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मल्डिहाइड रिजल्ट इन फोटोकेमिकल स्मोग, डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। कोई कहेंगे फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है, जब ओजोन PN नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मल्डिहाइड मिल जाए तो उसे फोटोकेमिकल स्मोक कहेंगे। फोटोकेमिकल स्मोक जनरली कहाँ होगा, नाम ही से लग रहा, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब फोटो नहीं होता, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का क्लास 10th की NCERT में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइट। तो जब ये सन की प्रेजेंस में ये कलेक्टिवली देखे जाते हैं तो ये फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट करते हैं। अब फोटोकेमिकल स्मोक से क्या होता है, रबर क्रैकिंग प्लांट डैमेज करता है, मेटल को भी कोरेड कर देता है। आगे NH3 है, अमोनिया जिसे कहते हैं, अमोनिया अगर एयर में होगा तो बहुत ज़्यादा उसका साइज PM2.5 है, वेरी स्मॉल साइज से बड़ा होगा और स्मोक एंड हेज से भी बड़ा होगा, और ये जनरली स्मोक की प्रॉब्लम है, हेज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर सपोज वही अमोनिया अगर वाटर में देखने को मिलता है तो यूट्रोफिकेशन करेगा, एल्गी ब्लूम्स करेगा, जितने ज़्यादा एल्गी क्रिएट होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन दूसरे प्लांट तक नहीं पहुँचेगा। लास्ट हम बात करते हैं लेड की, क्योंकि सभी हम डिस्कस कर चुके हैं लेड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अभी आप सब लोग मैगी खा रहे हैं, अभी हाल में एक न्यूज़ आती है कि लेड बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो लेड इंटरफेयर विद रेड ब्लड सेल्स, सॉल्यूशन यही है कि अनलेडेड पेट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है। लेड की मात्रा, इसको भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेट किया जाता है। आगे अब इन्हीं 8 पॉल्यूटेंट लेवल के बेसिस पर एयर क्वालिटी ऑफ गिवन सिटी क्लासिफाई की गई है 6 कलर में, ठीक है। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर गुड होगा तो मिनिमल, सेटिस्फैक्ट्री 51 से लेकर 100 लेवल तक AQI लेवल इंडेक्स में आता है, तो हमें हल्का सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वही लेवल 101 से 200 तक पहुँचे, अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करता है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, पर अगर 201 से 300 तक होता है, पहले तो दो अस्थमा को कर रहा था, बट सभी लोग इससे डिस्कम्फर्ट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद सीवियर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है हार्ट लंग डिजीजेस क्रिएट करता है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट AQI का समझ में आया होगा, हर एक पार्टिकुलर AQI। अगर ये आप बहुत अच्छा आपको लग रहा है, ये आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, ताकि हम इस तरह से आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। ओके, लाइक करने के बाद आपने लाइक कर दिया होगा। प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात करूँ AQI सिस्टम की, तो यहाँ पर हमारी AQI सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं कि वन नंबर वन कलर, इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हम नंबर से बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस लेवल पर क्या प्रॉब्लम आती है, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। कवर इंटायर इंडिया आफ्टर 5 साल के बाद, ये हर मतलब पूरी इंडिया को कवर करता है। ओके, कोई कंडीशनल बैन नहीं है, नो मॉनिटरिंग बेंजीन, जो फॉल्टी इंडियन इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, और सेपरेट इंडेक्सेज नहीं है, हर के लिए एक सेपरेट इंडेक्स नहीं है, हम क्या करते हैं एक ही इंडेक्स बनाते हैं। कुछ ये नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ मेंस के बेसिस पर, हमने प्रीलिम्स के बेसिस में ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा, जो कि इनफ है, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के बेसिस पर फ्रेम होता है तो आप उसको क्रैक कर पाएं। अब हम मेंस के बेसिस पर, क्योंकि हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही कवर करना है, तो अब इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह से डेवलप करता है एक इफेक्टिव और प्रोफिशिएंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें हम सभी पॉल्यूटेंट को मॉनिटर करते हैं और एक रिलायबल डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फर्दर जो भी पॉल्यूशन लेवल है उससे पब्लिक को अवेयर करा जा सके। दूसरा, एफिशिएंट डाटा डिसेमिनेशन करते हैं कि इस डेटा के बेसिस पर हम क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे और पब्लिक आउटरीच बताएंगे कि किस तरह से आपको टाइम के बेसिस पर मेजर लेने पड़ेंगे, मिटिगेशन इससे बचना पड़ेगा, एयर पॉल्यूशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो डाटा हमने फर्स्ट पॉइंट में लिया था ना, इसी को हम क्या करेंगे पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तीसरा, हम इसमें चाहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी इन्वॉल्वमेंट हो, प्लानिंग में इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोई भी प्रोग्राम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो
पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिले। आगे हम मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करेंगे जिससे कि प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें एयर पॉल्यूशन को। ओके, आगे हमें देखने को मिलता है NCAP इंटेंड्स टू प्लग द गैप्स इन द ऑनगोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। बहुत सारे सरकारी हम देखें, भारत सरकार के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव चल रहे हैं एयर पोल्यूशन के बेसिस पर, बट बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है गैप देखने को मिलते हैं, इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है और कुछ में फ्लॉज भी देखने को मिलते हैं। तो NCAP इसी फ्लॉज को कम करेगा, इसी गैप को कम करेगा। अब जहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशन एग्जिस्टिंग अगर देखने को मिलता है, 691 थे। ये मॉनिटरिंग स्टेशन क्या करते हैं, जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैंने 8 फीचर बताए, कौन कौन से 8 फीचर हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, NO2, O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और PB, इन सब के लिए एक मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, ताकि जो पहले 691 थे अब उसको बढ़ा के NCAP में कितना कर दिया गया है, 1000 तक कर दिया गया है। जनरली ये प्लान ग्रामीण क्षेत्रों तक और ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ लकड़ियों में खाना बनाया जाता है। उसके साथ साथ लकड़ियों के साथ साथ ये ऐसी सिटीज़ में भी होता है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या हैं। अब ये क्या है, टुवार्ड्स अचीविंग दिस इट विल सेटअप 50 मॉनिटरिंग स्टेशन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में 50 मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप किए जा रहे हैं, जिससे कि फर्दर NCAP विल ऑल्सो डेवलप गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग इंडोर एयर पॉल्यूशन। आप घर के अंदर जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाने वाली है या बनाएगी NCAP, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखने को मिलता है NCAP ने प्लान किया है कि हम एक एक्रेडिटेशन सर्विस भी सेटअप करने वाले हैं। एक्रेडिटेशन जनरली एक सर्विस होती है जहाँ पर एक अथॉरिटी सर्टिफिकेशन देती है, पर्टिकुलर होता है ना, कोई इंडस्ट्री है आपकी, सपोज वो कुछ केमिकल बना रही है, अब वहाँ पर से कोई स्मोक निकल रहा है उनकी चिमनी से, तो उनके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर इतना निकल रहा है। जैसे अभी व्हीकल्स की मैं बात करूँ तो आपके पास इंजन BS6 का आने वाला, भारत स्टेज 6 का इंजन होना चाहिए उसके सर्टिफिकेशन के बेसिस पर। तो वैसे ही NCAP भी प्रोग्राम एक्रेडिटेशन सर्विस जो है सेटअप करने वाली है, जो कि इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम होगा, जो स्टैंडर्ड के बेसिस पर बनाया जाएगा और एक्यूरेट फोरकास्ट करेगा एयर पॉल्यूशन का। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि क्या NCAP में एक्रेडिटेशन सर्विस सेटअप होने वाली है या नहीं। तो आप बार बार रिवाइज करेंगे इस PDF को, हालांकि ये PDF पेड ग्रुप के लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, आपको जल्दी गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए, IAS PCS बनना है, तो आप हैंड रिटन, मैं प्रिफर करता हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ओके, मेंस के बेसिस पर हमने एक चीज़ कहा है कि ये प्रोग्राम NCAP का प्रोग्राम विल नॉट बी नोटिफाइड अंडर। देखिए ये भी एक एग्जांपल है, व्हाट टू स्टडी। प्रीलिम्स के लिए हमने NCAP के फीचर और टारगेट देख लिए, अभी हम कुछ टारगेट भी देखने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, और NCAP के बेसिस पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थे उसके बेसिस पर हमने प्रीलिम्स कवर कर लिया है। मेंस के लिए हमें इसके सिग्निफिकेंस, चैलेंजेज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या रहे हैं वो डिस्कस करना पड़ेगा। मेंस में तो एनालाइज करना पड़ता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए प्रोग्राम, द प्रोग्राम जो NCAP का प्रोग्राम है विल नॉट बी नोटिफाइड। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या ये नोटिफाई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर या किसी एक्ट के अंदर, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए है। टू क्रिएट अ फॉर्म मैंडेट विच ए स्ट्रॉन्ग लीगल बैक फॉर सिटीज एंड रीजन टू इम्प्लीमेंट NCAP इन ए टाइम बाउंड मैनर फॉर इफेक्टिव रिडक्शन। अब देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, की फीचर जो प्रीलिम्स में आता है। अब यही पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, डायरेक्ट इसके की फीचर प्रीलिम्स में भी आएंगे और इसी की फीचर को आप मेंस में भी आपको लिखना है। सबसे पहले अचीव ए नेशनल लेवल टारगेट, 20-30% तक रिडक्शन करना है PM2.5 और PM10 का। अब मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है और पर्टिकुलेट मैटर 10 क्या होता है, इससे क्या क्या रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो बाय बिटवीन 2017 से, देखिए प्रेजेंट डाटा है तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, इसके लिए आपको फर्दर 2024 तक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2017 से 2024 तक एक नेशनल लेवल टारगेट क्या है, 20-30% तक किसका कम करना है, PM2 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का, पर्टिकुलेट मैटर 10 का। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसका डायमीटर 2.5 से कम होता है माइक्रोन से, और इसका 10 से कम होता है, तो पहला आपको पता चल गया। दूसरा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होगा विल एग्जीक्यूट दिस नेशन वाइड प्रोग्राम। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन एग्जीक्यूट करता है, वो है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सेक्शन है और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1986 के बेस्ड पे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च विद एन इनिशियल बजट, जो प्रोग्राम इनिशिएट किया था
वो 3000 करोड़ से पहले स्टार्ट हो चुका है, 3000 करोड़ का फर्स्ट एलोकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, द प्लान इंक्लूड 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कितनी सिटीज इंक्लूड हैं इस प्लान के अंदर, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज। 102 नॉट आउट एक मूवी भी आई थी, शायद वो 101 है या 102, मुझे पता नहीं है, बट आप उससे भी याद कर सकते हो। हमें सिर्फ याद करना है ट्रिक, हमें तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। तो प्लान अटेंड करता है 102 नॉन अटेनमेंट सिटी। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वही सिटीज़ होती हैं कंसिस्टेंटली जहाँ एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट है किसके, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो नेशन में पूरे देश में एवरेज चल रहा है उससे भी वर्स्ट होना नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये अक्रॉस 23 स्टेट यूनियन टेरिटरीज में आएगा, जो कि अभी जैसे मैंने कहा कि CPCB एग्जीक्यूट करेगा, तो यही आइडेंटिफाई करेगा उन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को। ठीक है, उनकी एम्बियर क्वालिटी के बेसिस पे। अब ये भी हमें याद रखना है कि जो 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उनका डाटा कब से कब तक लिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखिए, इस पूरे की फीचर में प्रीलिम्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर मैं यूपीएससी की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो 2011 से लेकर 2015 तक इस डाटा को लिया जाएगा, जिसमें 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को बोला जाएगा। उसमें से मैं कुछ सिटीज़ बता दूं, दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर एंड मुंबई। ठीक है, ये नॉन अटेनमेंट सिटी है जिसमें कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है, अब एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो सेंटर ऑल्सो प्लान्स टू स्केल अप द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। अब केंद्र सरकार भी क्या कर रही है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क सेटअप करेगी पूरे इंडिया में। एटलीस्ट 4000 मॉनिटर्स आर नीडेड अक्रॉस द कंट्री, ऐसा बोला जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कम से कम 4000 मॉनिटर तो हमें सेटअप करने ही पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जिस्टिंग 101 रियल टाइम एयर क्वालिटी जो मॉनिटर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ये कहता है कि अभी हमारे पास 101 हैं। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 4000 हमें कम से कम चाहिए अगर हमें कंट्री। देखिए, मॉनिटर क्यों करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, मॉनिटर करेंगे तो स्कूल के बच्चों को प्रिवेंट किया जा सकता है कि आज एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, आप मत जाइए, स्कूल रोका जा सकता है। दूसरा, एयर क्वालिटी से हम फर्दर एग्रीकल्चर की बात करूँ, किसानों का जो सुसाइड है वो आपका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके जो क्रॉप्स को हार्म कर रहा है, तो 4000 मॉनिटर होने चाहिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 101 रियल टाइम एयर क्वालिटी से अच्छा हमें 4000 मॉनिटर तो सेटअप करने ही पड़ेंगे, तो केंद्र सरकार इसमें भी काम कर रही है। आगे की फीचर हम देख लेते हैं, ये प्लान प्रपोज होता है 3 टायर सिस्टम में, इंक्लूडिंग रियल टाइम फिजिकल डाटा कलेक्शन किया जाएगा, डाटा आर्चीविंग की जाएगी, उसको आर्चीव का मतलब होता है एक तरह से स्टोर करना, ठीक है, फर्दर एनालिसिस के लिए। और हमें पता है 102 सिटीज़ में तो आपको पता ही है, प्लांटेशन प्लान भी किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में कि कैसे किया जाए, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव किया जाएगा। आगे दूसरा, इट ऑल्सो प्रपोजेज स्टेट लेवल प्लान, हमें नेशनल लेवल तो पता ही है, स्टेट लेवल में क्या किया जाएगा, रैपिड सबसे बड़ी बात है स्ट्रेंथ करना पड़ेगा BS, जो भारत स्टेट 6 नॉर्म्स। इससे पहले हम कुरुक्षेत्र की मैगजीन और जो हमारी मंथली पॉलिसी रिव्यू को पहले से फॉलो करता आ रहा है उसको पता होगा कि BS6 नॉर्म क्या है। भारत स्टेट 6 नॉर्म जनरली एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, जिसमें कि इंजन के बेसिस पर कोई, अभी ब्रॉडली ये समझ लीजिए, आप समझना चाहते हैं कि, तो अगस्त की PRS इंडिया आप देख सकते हैं, तो भारत स्टेट 6 नॉर्म्स ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि कोई भी व्हीकल होता है उसमें से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इमिट हो रहा है, जो गैसेज इमिट हो रही हैं उसके बेसिस पे जो भारत 6 स्टेज के नॉर्म्स पे बेस इंजन उसमें डाला जाएगा, जो नई गाड़ियां बनेंगी उसमें BS6 का इंजन होना चाहिए, BS6 मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, ताकि उसमें सल्फर का कंटेंट कम निकले इस टाइप से। ठीक है, बूस्ट करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए, इसमें और ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा। आगे वेरियस कमेटी की मैं बात करूँ, नेशनल प्लान ने हैज़ प्रपोज सेटिंग अप एन एपेक्स कमेटी अंडर इन्वायरमेंट मिनिस्टर। अब क्या है, कमेटी बिठाई जाएगी, नेशनल प्लान में ये लिखा गया है कि एपेक्स कमेटी बनाई जाएगी इन्वायरमेंट मिनिस्टर के अंदर, स्टीयरिंग कमेटी अंडर सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी अंडर ए जॉइंट सेक्रेटरी। अब ये क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और फर्दर कमेटी एट द स्टेट लेवल विद साइंटिस्ट एंड ट्रेंड पर्सोनिल। इसमें देख ही लिया, फिर साइंटिस्ट और ट्रेंड पर्सनल की हेल्प से हम एयर क्वालिटी को चेक करेंगे। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव
प्रिलिम्स के लिए और मेंस के लिए हमने पूरा क्लियरिंग द एयर, पूरा एनसीएपी का प्रोग्राम प्रिलिम्स के बेसिस पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यूपीएससी का प्रिलिम्स डिस्कस कर लिया है। अब देखिए नई न्यूज़ है, इंडस्ट्री से आ रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज क्रिएटेड। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक नया डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज स्टार्ट कर दिया है। देखिए अभी जो करेंटली दीज फंक्शन, देखिए अभी जो एंटी डंपिंग की ड्यूटीज होती थी कौन फिक्स करता था, वो करता था डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड एंड सेफ गार्ड क्यू आर फंक्शन ऑफ डायरेक्टरी जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड, फॉरन ट्रेड के बेसिस पे एंटी डंपिंग एलाइड ड्यूटीज के बेसिस पे। तो इनके जो फंक्शन है अब कौन संभालेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। अब जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हैं, ठीक है, अब नेशनल अथॉरिटी की मैं बात करूं तो DGTR जो है एक अपेक्स नेशनल अथॉरिटी बनने जा रही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर करेगा जो ट्रेड रेमेडियल मेजर्स होते हैं, जैसे एंटी डंपिंग हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हो गया, सेफ गार्ड मेजर्स हो गया, इन तीनों को ही कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। करंट का आप समझ चुके होंगे, इसको पहले कौन करता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड, सेफगार्ड क्यू आर फंक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इन सब तीनों फंक्शन के लिए नेशनल अथॉरिटी अब किसको सौंप दी गई है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को, ठीक है। अब एंटी डंपिंग क्या होती है, जनरली डंपिंग समझेंगे तो हम कहेंगे कि एंटी डंपिंग मतलब कोई हमारे यहाँ इंपोर्ट कर रहा है तो हम उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगाएंगे। अब क्या हो रहा है, सपोज उदाहरण के लिए चाइना में एक पर्टिकुलर कोकोनट की बोतल मान लीजिए, ठीक है, अब वो कंपनी आती है और यहाँ उस कोकोनट बोतल को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 100 रुपये में, बट वही अगर चाइना जो ओरिजिनल उनकी जो कंट्री है चाइना ओरिजिनेट हुआ है ना वो कोकोनट बोतल, अगर ओरिजिनल उनकी मार्केट में अगर वो 80 रुपये का बेच रहे हैं बट हमारी दूसरी सॉरी 100 रुपये नहीं कम, ठीक है, यहाँ पर चलो 100 रुपये का मान लेते हैं, बट ओरिजिनली अपने उसमें से ये बेच रहे हैं ये 120 का बेच रहे हैं सपोज, ठीक है, उनकी कंट्री ओरिजिनल कंट्री में जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है प्रोडक्ट अपनी कंट्री में तो वो 120 का बेच रहे हैं, बट हमारी कंट्री में हमारे अपने प्राइस को कम करके बताना डंपिंग कहलाती है कि हमारी कंट्री इंडिया में आके वो 120 की चीज़ क्या बेच रहे हैं कम करके 100 रुपये में, ताकि उनको और ज़्यादा फायदा हो, सब लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें, तो इस तरह से वो चीट कर रहे हैं इंडिया को, तो डंपिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाएंगे तो वो 100 रुपये का प्रोडक्ट क्या होगा, 150 तक हम डंपिंग लगा के 150 तक, ताकि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब इस पूरे को एडमिनिस्ट्रेटर कौन करने वाला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, आपको ये पूरी देखने को मिलती है। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो आप इनकी साइट भी विजिट कर सकते हैं, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है एंटी डंपिंग को अब करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इंडोनेशिया। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं इंडोनेशिया और वहां साइन करते हैं 15 एग्रीमेंट जहां पर कॉपरेशन के ये एग्रीमेंट है, किस किस फील्ड में, डिफेंस में, एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस और हेल्थ कॉपरेशन में, तीनों में, ये तीनों एग्रीमेंट उतने नेसेसरी नहीं है बट कल्चरली इंपॉर्टेंट आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन की जब भी बात आती है, बट इंडोनेशिया की आपको देखना पड़ेगा उससे नियर, अगर ज्योग्राफी प्रीलिम्स यूपीएससी में देखना पड़ेगा, जहां जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करे हैं 2018 में वो यूपीएससी ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड टू इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड विजिट करते हैं इंडिया ऑन टू डे विजिट में, अब नीदरलैंड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए वैसे अगर मैं पूरे वर्ल्ड में देखूं बहुत सारी कंट्रीज हैं तो यूपीएससी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जहाँ जहाँ आप इंपॉर्टेंस उस बेसिस पर लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं या हमारे दूसरे जगह के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो उनके जो कॉपरेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनसे रिलेटेड जो ज्योग्राफी अगर प्रिलिम्स क्वेश्चन की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाटर मैनेजमेंट में हमने कॉपरेशन किया, पोर्ट है, वाटरवेज है, एग्री फूड है, हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर वही गार्डनिंग रिलेटेड, ठीक है, मैनेजमेंट उससे, एग्री फूड है, लाइफ साइंस है, हेल्थ है, बिजनेस है, इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी पर भी हमने बात की। आगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है कृष्णा नौती योजना, ये किसानों के लिए बनी है। देखिए कृष्णा नौती योजना आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको,
अब इस जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसका कंटिन्यूएशन, मतलब इस स्कीम को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है 2020 तक, और इसका आउटले है 33,270, ठीक है, 33,270 करोड़ इसका जो बजट है आउटलेट किया गया है, मतलब एलोकेट हम कह सकते हैं किया गया है। अब क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला जनरली क्या होती है, जैसे एक अम्ब्रेला होती है उसमें कितने पार्ट होते हैं, ये ठीक है, बहुत सारे पार्टों से बनी रहती है। तो अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम भी चल रही होंगी, ठीक है, ये अम्ब्रेला हो गई हमारी, ठीक है, सब स्कीम भी होगी। तो बहुत सारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं, जैसे इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करती है बट बहुत ज़्यादा फंडिंग जो दी जाती है वो सेंटर द्वारा की जाती है। तो इसके अंदर 11 स्कीम है, उनमें से एक स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की बात करती है। इसमें सेंटर ने कितने एलोकेट किए हैं, 7,533 करोड़। उसके बाद दूसरी फूड सिक्योरिटी मिशन भी कृष्णानौती योजना के अंदर आती है, कृष्णो नौ नती योजना, ठीक है, आप अपने बेसिस पर इसको कर लीजिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नाम ही से लग रहा है ये किसान के बेसिस पर, ठीक है। अब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट पल्सेस कोर्स सीरियल्स कमर्शियल क्रॉप के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी। आगे इसमें नेशनल मिशन है एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स के लिए जो कि प्रमोट करता है फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सॉयल हेल्थ और रिसोर्सेज कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने कितने एलोकेट किए हैं, 3,980 करोड़। ये तो हमने तीन मिशन की बात की बट आपको याद होना चाहिए कृष्णोन्नति मिशन किसके लिए है। अब हम इसको पूरी अच्छे से बात करते हैं। जैसे हमने न्यूज़ में क्यों है ये पढ़ लिया, क्योंकि अभी इसकी जो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णोन्नति योजना भी बोला जाता है, कृष्णोन्नति योजना बोला जाता है। इसी कॉन्टिन्यूशन की बात की गई कि हाँ इस स्कीम को और फर्दर 2020 तक बढ़ाया गया है। तो इसको फर्दर जानकारी ले लेते हैं कि क्यों है ये न्यूज़ में। अब ये एक अम्ब्रेला स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो ये तो सिंपल सी बात हो गया, ये कौन से स्कीम के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो इम्प्लीमेंट की गई थी 2016 से। अभी का न्यूज़ क्या है कि इसको और 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारी सेवरल स्कीम्स होंगी अंडर एक वन अम्ब्रेला स्कीम के अंदर। इसको कंटिन्यू कब तक किया गया है, 2019-20 तक, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम में 11 स्कीम्स हैं या 11 मिशन भी आप कह सकते हो, तीन मिशन तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर के लिए, सिक्योरिटी मिशन के लिए। जनरली इस पूरे कृष्णोन्नति मिशन का या योजना का, ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णोन्नति योजना का मेन एम यही है, हमारे भारत सरकार का विजन क्या है कि किसानों की इनकम 2022 तक क्या करनी है, हमें बढ़ानी है। तो इस स्कीम का यही विजन है कि इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर बाय इन्हेंसिंग प्रोडक्शन। अब इन पूरी कृष्णोन्नति योजना में इतना ज्यादा फंड एलोकेट किया है, तो इससे हम क्या करेंगे, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे फर्दर, ताकि उनको बेटर रिटर्न मिल पाए। अगर मैं बात करूं, देखिए किसानों की सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर हमारे देश में है वो किसानों की है। फर्दर बहुत सारे अगर चीज़ों में, अगर पूरे देश की अगर कंट्री आबादी हम देखें हमारे देश की, तो मेजोरिटी ऑफ मेजर जो पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में इंडल्ज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोजगार अगर दे रहा है तो वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है, तो अभी के कंसर्न आपको देखने को मिलते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों द्वारा सरकार पे कि हमारे लोन वेबर करो, आप हमारे क्या कीजिए, सुसाइड के इतने ज़्यादा केस होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या लोन वेव करना, क्या किसानों का लेम जो लोन है वो माफ़ करना एक फाइनल सॉल्यूशन है। नहीं, अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो किसानों का जो लोन वेव करना है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है, फर्दर ये एक तरह से विशियस साइकिल में इंडल्ज हो जाएंगे फर्दर भी किसान एक तरह से। बहुत सारे इसके कौन से देखने को मिलते हैं, किसान फिर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि वोट बैंक, अगले साल चुनाव आने वाले हैं, हम फिर से फसल पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे कौन से इसके देखने को मिलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर PMKSY, ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सबसे पहले हर आर्टिकल का मेन यही एम है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूज क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर अभी हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है,
5000 करोड़ तक, जिसमें से 2000 करोड़ तो यूटिलाइज़ किए जाएंगे 2018 और 19 में, जो बचे हुए 3000 करोड़ हैं वो 2019 और 20 में एलोकेट उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्कीम में लगाया जाएगा। अब मैंने कहा कि 5000 करोड़ तो कैबिनेट ने अप्रूव किया, बट ये जाएंगे कहाँ, ये फ़ंड कौन सेटअप करेगा? ये फ़ंड सेटअप करेगा हमारे नाबार्ड, एक ऐसा नेशनल बैंक है जो हमारी जनरली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माइक्रो इरिगेशन फंड PMKSY योजना के अंदर कर रहे हैं तो कौन सेटअप कर रहा है, उसको सेटअप कर रहा है हमारा नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या करेगा, देखिए बहुत अच्छी प्रोसेस है। अब हमारा कैबिनेट ने अप्रूव किया मान लीजिए 5000 करोड़, ठीक है, अब ये हमने कहा किसको जा रहा है, नाबार्ड को, किसको जाएगा, कौन सेटअप करेगा, नाबार्ड बैंक। अब नाबार्ड क्या करेगा, जो जितने भी स्टेट हैं उनको ये फंड लोन पे देगा, इनको ये फंड कितने पे देगा, लोन पे देगा। अब स्टेट क्या करेगी, जितने भी उन राज्यों के किसान हैं उनको ये फर्दर लोन में देगी उनका, ताकि जो भी इरिगेशन सिंचाई से रिलेटेड प्रोडक्ट है, देखिए आप कितना अच्छा फीचर देखने को मिलता है, एक प्रिसाइज वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये लोन पे देगी, अब आप इतना समझ चुके होंगे ये फंड कौन सेटअप करेगा, नाबार्ड। ये नाबार्ड जो है फंड अनाउंस किया गया था ये यूनियन बजट 2017 और 18 में, नाबार्ड क्या करेगा, एक्सटेंड लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ये लोन कहाँ पर बढ़ाएगा, राज्य सरकार में, विच कैन इंसेंटिवाइज माइक्रो इरीगेशन थ्रू सब्सिडीज और इन्वेस्ट इन क्लस्टर बेस्ड माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट में, जो है राज्य सरकार इसको स्पेंड करेगी और फर्दर अपने किसानों को देगी, और ये लोन मस्ट बी पेड बैक, ये भी आपको याद रखना है कि कब तक, 7 साल के अंदर उसको वापस मिलना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्रेस पीरियड जो 2 साल का है उसमें इंक्लूड है, ऐसा नहीं कि 9 साल हो जाएगा, वो 7 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा। किसको दिया जा रहा है, राज्य सरकारों को, ये आपको न्यूज़ समझ में आ चुकी होगी। अब जनरली हम हमारे आर्टिकल का फॉर्मेट यही रहता है कि हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो बॉडी होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। आगे मैं इसी न्यूज़ में एक और पॉइंट है कि माइक्रो इरिगेशन जो फंड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बोला गया है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 3% तक, ठीक है, इस फंड के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। जनरली इंटरेस्ट सबवेंशन, सबसे पहले सबके मन में अभी यही प्रश्न आ रहा होगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, सपोज किसान है, किसान ने अगर राज्य सरकार से लोन लिया, सपोज एग्रीकल्चर अपने खेत उगाने के लिए, ठीक है, तो उसने सपोज लिया 50,000 तक का लोन लिया, ठीक है, अब क्या है, राज्य सरकार कहेगी आपको 7% के उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा एनुअली, तो अब क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन, नाम ही से लग रहा है ना, इंटरेस्ट में सबवेंशन दिया जा रहा है, तो किसान को सिर्फ 4% क्या है लोन का जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, उसका जो 3% है वो कौन देगी, राज्य सरकार देगी, इसी को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो आप लोन लीजिए, इसका मतलब किसानों को बार बार इंकरेज किया जा रहा है कि आप लोन लीजिए, और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी होती है तो यही उसका मेन प्रिंसिपल है, तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, 4% तो वो खुद देंगे, 3% राज्य सरकार देगी। अब इंटरेस्ट एंड इस इंटरेस्ट सबवेंशन की वजह से 750 करोड़ का इम्प्लीकेशन आता है फाइनेंशियल, बट अब क्वेश्चन प्रश्न यही आता है कि ये तो 750 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से अलग से, तो ये कौन करेगा, अंडर जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप बाई अमेंडिंग एग्जिस्टिंग जो गाइडलाइन है उसके बेसिस पर इस कॉस्ट को क्या किया जाएगा, मेट किया जाएगा, यहां से ये कॉस्ट ली जाएगी, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हमें जानना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या क्या वो हैं, कि रिचार्ज ऑफ एक्वाफायर्स को बढ़ाएंगे, प्रिसाइशन इरिगेशन करेंगे, ऑन फॉर्म वाटर यूजेस का यूज़ करेंगे, कल्टीवेटेबल एश्योर्ड इरिगेशन देखेंगे, कि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन में लाना है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करनी है, ठीक है, तो अच्छी तरह इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एमलगेशन है 3 ongoing स्कीम का, ठीक है, मतलब अब 3, अब जो ये स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर रही है, नहीं, ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, इससे पहले ये 3 स्कीम अलग अलग से आती थी, मतलब ये अलग अलग काम करती थी, तो अब सेम ही अलग अलग ये मिनिस्ट्री थी पर काम इनका एक ही था, इरिगेशन पे बेस्ड, ठीक है, तो जैसे 3 स्कीम पहले कौन सी थी, एक्रिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की थी, फिर रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुवेनेशन इंटीग्रेटेड वाटरसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम था,
ऑन फार्म मैनेजमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, ये तीनों ही स्कीम का मतलब ये एमलगेटेड स्कीम का यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये करेगी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड को इरिगेशन में लाएं, जितनी ज़्यादा सिंचाई हम करेंगे किसी फील्ड की उतना ज़्यादा हमको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्रॉप यील्डिंग मिलेगी। आगे एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया, कल्टीवेबल एरिया को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन सिंचाई की जाए। ऑन फार्म वाटर जो यूज़ एफिशिएंसी का हम यूज़ करेंगे, ताकि देखिए बहुत सारे इसमें साइंटिफिक और जियो टैगिंग का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि किसान क्या करता है, वैसे तो अगर ट्रेडिशनल देखें तो वो ग्राउंड वाटर से लेता है पानी और सिंचाई में लगा देता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट चले जाता है, कहीं पर मिलता नहीं है। बट हम क्या करेंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, सेंसर का यूज़ करके, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि किस तरह से किस पर्टिकुलर क्रॉप को। कुरुक्षेत्र में तो ये पूरा हर एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है, आप अपने मेंस के लिए, आपके लिए कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वाटर इन्हेंस द एडॉप्शन ऑफ प्रिसाइशन, कि कहाँ पर कितना पर्टिकुलर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे किसी जो प्लांट है उसको कितना पानी दे सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। आगे मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का एक ही बूंद में, पर नाम ही से लग रहा है ना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कि एक वाटर के ड्रॉप में मोर क्रॉप को क्या किया जाए, इरिगेट किया जाए। तो ये है पूरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह याद रखना है कि इंप्लीमेंट कर रही है एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपको अगर कुछ इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।